वहीं हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का आज चौथा दीक्षांत समारोह करवाया गया और समारोह में करीब 1100 विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी गई। इसके अलावा रेल मंत्री सुरेश प्रभु और वेदों पर साइंटिफिक रिसर्च करने वाली पूर्व IRS सरोज बाला को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। मुख्य अतिथि राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने समारोह में 135 गोल्ड मेडलिस्ट और 105 PhD विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटी और इसके अलावा कुल 845 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांटी गई। कार्यक्रम में रेल मंत्री सुरेश प्रभु कुछ ही देर के लिए रुके और राज्यपाल भी कुछ स्टूडेंट्स को डिग्री देने और संबोधित करने के बाद चले गए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को कुलपति ने और दूसरे मेहमानों ने ही डिग्रियां बांटी, जिससे छात्रों में थोड़ी निराशा जरूर नजर आई। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का ये चौथा दीक्षांत समारोह है, जिसमें मुख्य अतिथि कप्तान सिंह सोलंकी जी राज्यपाल हरियाणा रहे और इसमें हमने दो मानक डिग्रियां दी हैं, जिसमें सुरेश प्रभु जी रेलवे के मंत्री और सरोज बाला जी जिन्होंने इंडियन साइंटिफिक रिसर्च के डायरेक्टर हैं। हमारा गाउन जो है, हमारा अपना ट्रेडिशन नहीं है, हमने इसको अपने देश के साथ जोड़ने के लिए कोशिश किया है कि जो हम चाहते हैं कि लोग हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर के साथ जुड़े रहें, ताकि एकजुटता जो है इस देश में बनी रहे।